नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। विश्व हिंदू परिषद की दो दिवसीय प्रत्येक बैठक 4 से 5 जनवरी को सरस्वती शिशु मंदिर तराना में सम्पन्न हुई। उद्घाटन सत्र में श्री राम स्वरूपानंद ब्रह्मचारी के आशीर्वाचन प्राप्त हुआ। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्रीय मंत्री राजेश तिवारी ने सभी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन किया और पूरे देश में हिंदू बहनों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एवं आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा उस राज्य को ईसाईकरण किए जाने के षड्यंत्र के विरोध में केंद्र के द्वारा जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उनके संबंध में अपने कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए संरक्षण करने की प्रेरणा दी। मतलब किस उद्देश्य को लेकर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है यहाँ पर, विगत 2 दिन से जो चल रहा है? विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय बैठक 6 महीने में होती है जी। 6 महीने की केंद्रीय बैठक के बाद फिर सभी प्रांतों की बैठक आयोजित की जाती है जी, और ये प्रत्येक 6 माह में होती है जी। इस बार की मालवा प्रांत की बैठक जी तराना में इस स्थान पर की जा रही है, और इस बैठक में हमारे जो केंद्र ने जो प्रस्ताव पास किए हैं उन प्रस्तावों के ऊपर चर्चा होगी जी। हमारे जो 6 महीने में कार्यक्रम हुए हैं उन पर चर्चा होगी, उनका संकलन होगा, समीक्षा होगी, और आगामी जो 6 महीने कार्यक्रम हम सबको करने हैं उसकी कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसलिए हम कुल मिलाकर के 6 महीने का व्रत संकलन करना, समीक्षा करना और आगामी कार्यक्रम की योजना बनाना, उस हेतु ये प्रांत बैठक की जा रही है। और इस प्रांत बैठक में 2 प्रस्ताव जो केंद्र में पारित हुए हैं उनका भी यहाँ वाचन हुआ है, उनकी भी चर्चा हुई है। एक प्रस्ताव है महिलाओं के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार के खिलाफ हम सबको, समाज को क्या करना चाहिए, तो उसमें एक सुझाव है जो विश्व हिंदू परिषद ने प्रस्ताव पास किया है कि हमें आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करना चाहिए, विद्यालयों में नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने चाहिए, और वो पाठ्यक्रम प्रारंभ करके हमें बालक बालिकाओं को संस्कार देना चाहिए जिससे एक अपराध रुकें, ये घटनाएँ रुकें जो बलात्कार, अपहरण और आगजनी की घटनाएँ हो रही हैं ये समाप्त हों, तो महिलाओं के प्रति देखने की दृष्टि में सुधार हो, ये बात के लिए भी प्रस्ताव पास हुआ। दूसरा, आंध्र प्रदेश सरकार जो हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही है उसके खिलाफ ज्ञापन देना है, वो ज्ञापन के बारे में, उस प्रस्ताव के बारे में भी चर्चा की गई है, और सारे जिलों में आगामी दिनों में हम आंध्र प्रदेश सरकार जो हिंदुओं का पतन कर रही है, दमन कर रही है, उसके खिलाफ ज्ञापन देंगे।